प्रोफेसर नवीन वर्मा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है CS Guru चैनल। वेल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आपने दो तीन दिन के अंदर ही इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब किया, आपने इस चैनल को व्यू किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से अपना प्यार दीजिए और शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारा पहुँचे। आइए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके विषय में हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने तीन शब्दों का यूज किया, सी, प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में सबसे पहले आपको बेस क्लियर करने के लिए बताया था कि लैंग्वेज हमारा होता क्या है। आपको पता लग चुका है कि लैंग्वेज अपने आप में एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है जिसके जरिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो कम्युनिकेशन करेंगे वो डेफिनेट सी बात है अपने सिस्टम से करेंगे, अपने कंप्यूटर से करेंगे। अब उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने बात बताई थी आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले एक वर्ड प्रोग्राम था कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम अपने आप में एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। वेल, ये इंस्ट्रक्शन का सेट हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत लिखा जाता है और हम अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को बिल्डअप करते हैं। वेल, यहां पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज अपने आप में एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को राइट डाउन करने के लिए, उसके सोर्स कोड को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। साधारणतः फ्रेंड्स, मैंने जब आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो यहां पर पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि सी अपने आप में एक हाई लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करती है, हाई लेवल लैंग्वेज को ही फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि जितने भी सिंटैक्स, जितने भी कैरेक्टर सेट्स, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशल सिंबल्स हम लोग जो यहाँ पर यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो सारे के सारे हमारे फॉर्मल लैंग्वेज से ही होते हैं और से ही रिलेटेड और फॉर्मल लैंग्वेज से ही हमारे रिलेटेड होते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज से हमारे रिलेशन रहते हैं। वेल फ्रेंड्स, देखिए, दिस लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज नाउअडेज और पहले से ही अपने आप में पॉपुलर लैंग्वेज है। इवन मैं अपने शब्दों में इस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर सब्जेक्ट भी बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना करियर डेवलप करना है तो यहाँ ये लैंग्वेज हमें ये हेल्प प्रोवाइड कराती है कि हमारे बेस क्लियर होते हैं और जो बेस हमें सी लैंग्वेज में सीखने को मिलता है उससे हमें बेनिफिट मिलता है दूसरी लैंग्वेज को आसानी से सीखने का। जितने भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत, चाहे वो ऑपरेटर्स हो, चाहे वो एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट हो, आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए, जावा ले लीजिए, पाइथन ले लीजिए, सी शार्प ले लीजिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आप सी के इन कंसेप्ट को यूज करते हैं और प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं सब्जेक्ट को कहता हूं कि स्टडी की दृष्टि से ये लैंग्वेज अपने आप में कोर सब्जेक्ट माना जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये लैंग्वेज अपने आप में एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा कि ये लैंग्वेज अपने आप में एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फ्रेंड्स, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शनल बेस्ड लैंग्वेज है और इसी कारण से इस लैंग्वेज को हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस भी बोल देते हैं और इसी वजह से इसका नाम हमने सी भी रखा। सी मीन्स कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, फंक्शन का कॉम्बिनेशन, साधारण समझने के लिए आप ये अपने जहन के अंदर रख सकते हैं। वेल, ये लैंग्वेज जो डेवलप किया गया था 1972 में डेवलप किया गया था, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे हमारे डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को प्रोवाइड कराने के लिए, प्रोग्राम को राइट डाउन करने के लिए। देखिए, जब हमारे पास में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी तो उससे पहले हम लोग जितना भी कोड लिखते थे वो सब का सब या तो असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत लिखते थे या हम लोग लिखते थे 01 फॉर्म में, दैट मींस इन मशीन लैंग्वेज में। वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जितने भी कोड प्रोसेस हम लोग करते थे वो मशीन डिपेंडेंट या प्रोसेसर डिपेंडेंट होती थी। आइए मैं इस बात पर चर्चा करूं कि सी अपने आप में एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मैं यहां पर आपको पहले यह क्लियर कर देता हूं कि इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेनिस रिची ने हमें प्रोवाइड कराई, इसके जरिए यदि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ तर्क हैं कि इसको मशीन इंडिपेंडेंट बोले या मशीन डिपेंडेंट बोले, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा जो आपके कंसेप्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करेगी। ओके, आइए 1972 में ये लैंग्वेज हमारी डेवलप हुई, कॉम्बिनेशन कुछ फंक्शंस का आया, इसको हमने सी बोला। उसके बाद में ये लैंग्वेज ने एक इस
स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को भी फॉलो किया। अब यहां समझने की बात है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अपने आप में होती क्या है। देखिए, एक प्री डिफाइंड हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाता है और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम अपने प्रोग्राम को बिल्डअप करते हैं। जनरली जैसे अगर हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहां स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं मॉड्यूल्स में। ये मॉड्यूल्स आपका सेपरेटली वर्क करते हैं और एक साथ वर्क करते हैं एक प्रोग्राम के तहत। तो ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को बतलाने की कोशिश करते हैं, या हम लोग इससे समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है जहां पर हमने प्री डिफाइंड जो हमारे गिवन कंसेप्ट है उनका प्रयोग करके, उनका यूज करके हम अपने प्रोग्राम को बिल्डअप करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। वेल फ्रेंड्स, तो ये ओवरऑल था आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारी सी लैंग्वेज डेवलप हुई तो इससे पहले वे कौन कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। देखिए, 1960 में एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी जिसका नाम था एल्गो। इसको साधारणतः दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको एल्गो 60 के नाम से जाना जाता है। इट वाज यूज्ड इन लार्ज बेसिस इन यूरोपियन कंट्रीज। ये यूरोपियन कंट्रीज में हमारी हिंदी होती थी और ये एक पहली लैंग्वेज थी जिसने हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कराया। यहां से हमें पता लगा कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका क्या थी। 1960 में ये लैंग्वेज एल्गो लैंग्वेज डेवलप हुई थी। इवन मैं इस लैंग्वेज को फादर ऑफ लैंग्वेज भी बोलता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसने हमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को बताया था। इसके बाद एक लैंग्वेज 1967 में डेवलप हुई। इस लैंग्वेज को हमने BCPL के नाम से जाना। इस लैंग्वेज के जो जनक थे वे मार्टिन रिचर्ड्स थे। मार्टिन रिचर्ड्स ने ये लैंग्वेज हमें दी और स्पेशली फॉर राइट डाउन द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कोडिंग को लिखने के लिए ये लैंग्वेज BCPL हमारी लैंग्वेज है। दिस लैंग्वेज वाज इरा ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं तो यही कहूंगा कि ये एरा है। दिस लैंग्वेज वाज द एरा ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे चल करके आफ्टर 3 ईयर्स 1970 में एक लैंग्वेज डेवलप हुई जिस लैंग्वेज को हमने बी लैंग्वेज कहा, और ये बी लैंग्वेज हमारे एक साइंटिस्ट में है, कैन थॉमसन ने ये लैंग्वेज डेवलप किया। इन कैन थॉमसन जी ने BCPL के कुछ कंसेप्ट को कंबाइन करते हुए इस लैंग्वेज को जनरेट किया था और इट वॉज क्रिएटेड यूजिंग यूनिक्स। ये इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैन थॉमसन ने। इसके अलावा BCPL और बी दोनों की कॉम्बिनेशन से ये लैंग्वेज हमारी 1970 में डेवलप हुई थी। उसके बाद हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, डेनिस रिची ने एल्गो 60, BCPL, पी, इन तीनों लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया और तीनों लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के फीचर्स को कंबाइन करते हुए कुछ एडिशनल फीचर्स लिए और उन एडिशनल फीचर्स को लेकर के एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये टोटल हिस्ट्री था हमारा कि सी लैंग्वेज हमारा डेवलप हुआ। ये लैंग्वेज हमारा ATM टेबल लेबोरेटरीज में डेवलप हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1972 में। तो ये ओवरऑल जो मैंने हिस्ट्री बताई ये है आपका है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो कि हमारी सी लैंग्वेज के जरिए बन सकती हैं या बनती हैं। देखिए, एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग को हम सी लैंग्वेज के अंतर्गत कर सकते हैं। दूसरा, इस लैंग्वेज के जरिए हम सिस्टम एप्लीकेशंस को जनरेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो IoT बेस्ड की प्रोग्रामिंग होती है उनको भी हम आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरेट कर सकते हैं। ब्राउजर्स, गूगल ब्राउजर्स की प्रोग्रामिंग को भी हम सी लैंग्वेज के अंतर्गत कर सकते हैं। डाटाबेस जिसमें MySQL, Adobe applications इत्यादि को हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये सभी एप्लीकेशंस में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का यूज करके अपने प्रोग्राम को बिल्डअप कर सकते हैं, इससे इनसे रिलेटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। आइए आगे की कंसेप्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सी लैंग्वेज को हमने मशीन डिपेंडेंट या मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों कहा। देखिए, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि मशीन डिपेंडेंट को समझने की कोशिश करते हैं, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज हमारी क्या होती है। देखिए, साधारणतः मशीन डिपेंडेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्राम एक पर्टिकुलर मशीन पर डेवलप किया, अगर हम उस प्रोग्राम को किसी दूसरे
मशीन पर जो कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है उस पर चलाते हैं, उस पर एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वह प्रोग्राम आपका उस दूसरे मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो प्रोग्राम जो आपने पिछली मशीन पर डेवलप किया था वो उस पर्टिकुलर मशीन के लिए एक डिपेंडेंट था, उसको वही मशीन उसी कॉन्फ़िगरेशन की चाहिए, तब जाकर के वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स मशीन डिपेंडेंट को आप समझ चुके होंगे। अब मशीन इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, मशीन इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने लिखा, भले ही चाहे दूसरे किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम वहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर, बिना किसी हार्डवेयर के। अब क्वेश्चन यह उठता है डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर हमारी सी को मशीन डिपेंडेंट या मशीन इंडिपेंडेंट कैटेगरी के अंतर्गत रखे या नहीं रखे। देखिए ये लिटिल बिट मैंने एक वर्ड यूज किया इसको अपने शब्दों में, जहां तक मैंने समझा कि ये अपने आप में एक लिटिल बिट इंडिपेंडेंट और लिटिल बिट डिपेंडेंट है, दोनों कॉन्सेप्ट को आपको ये फॉलो करती है। इंडिपेंडेंट हम इसको इसलिए बोल सकते हैं कि यदि हम इसके पर्टिकुलर प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम पर रन करें, किसी भी सिस्टम पर प्रोग्राम को बनाएं और उसको फिर उस सिस्टम पर रन करें, तो उस सिस्टम पर वो प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि जब हम सी के कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूशन लेते हैं तो वो डायरेक्टली हमें .exe फाइल देता है, लेकिन वो जो exe फाइल होगी, वो जो ASM कोड होगा हमारा, वो उस पर्टिकुलर मशीन से रिलेटेड होगा, दैट मीन उस पर्टिकुलर मशीन के बिहाफ पर होगा। अब अगर हमें उस पर ASM जो हमें मिला है उस मशीन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें सिस्टम पर मिल जाती है, तो ये प्रोग्राम आपका किसी भी मशीन पर रन हो सकता है और रन हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन ना सेम हो करके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि वह प्रोग्राम आपका किसी दूसरी मशीन पर ना चले। और इसका मेन कारण यही है कि सी का कंपाइलर हम लोगों को जो ASM प्रोवाइड कराता है, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो हमारी मशीन पर डिपेंड करती है, जिस मशीन पर आपने एग्जीक्यूट कराया प्रोग्राम उसी से रिलेटेड हम लोगों को ASM कोड प्रोवाइड कराता है। तो यही कारण है इसको हम मशीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को समझ में आ गया होगा, इसकी स्पीड समझ में आ गई होगी, इसका बेस समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में आज ही मैं आपको दे रहा हूं फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कौन कौन से फीचर्स हैं नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।